कमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 18 23 24 25 26 आदि श्लोक। श्री शुक उवाच हतपुत्रादितिशक्र कार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदा नु भ्रातृहन्तारमिन्द्रिया राममुल्वणम् अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखं किं विद्भस्म संज्ञासे यस्येषाभिहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः। नारायण दिति के प्रमाद से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। दार्शनिक सिद्धांत है प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद मृत्यु है। उपनिषद का उद्घोष है, महाभारत सनत सुजातीय पर्व में भी इस तथ्य की उद्भावना की गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने शोकातुर दशा में जो भावना व्यक्त की है सौप्तिक संहार को लेकर, उससे स्पष्ट होता है कि प्रमाद मृत्यु है। सामान्य रीति से पुर्यष्टक सहित जीव कला जब इस देह का त्याग कर देती है, इस शरीर में रहने योग्य प्रारब्ध का क्षय हो जाने के कारण, तब व्यक्ति को मृत माना जाता है, अर्थात उसका शरीर चेतना विहीन माना जाता है। यह तो सर्वमान्य सिद्धांत है, चेतना शून्य, जीवनी शक्ति विहीन शरीर का नाम शव होता है। मृत्यु का अर्थ ही है जीवनी शक्ति का विलोप। लेकिन दार्शनिक धरातल पर प्रमाद को मृत्यु माना गया है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में जन्म और मृत्यु की एक विचित्र गाथा भी दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार प्राप्त है। जब जब स्थूल शरीर का
व्यवहार दशा में भी विस्मरण हो जाता है तब तब व्यक्ति को मृत्यु की प्राप्ति है। जब स्थूल शरीर का स्फुरण होता है तब जीवन है। एक दिन में भी व्यक्ति कई बार जन्म को प्राप्त करता है, कई बार मृत्यु को प्राप्त करता है। दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार स्थूल शरीर की प्रतीति की दशा में जीवन है और प्रतीति की दशा में जीवन प्राप्त होने पर भी जीवन नहीं। मृत्यु की सार्वभौम परिभाषा यही है कि चेतना शक्ति का सर्वथा विलोप हो जाए, कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, प्राणों की अंतःकरण की अभिव्यक्ति संभव न हो तब मृत्यु है। दार्शनिक धरातल पर विचार करें तो प्रमाद मृत्यु है। स्वर्गारोहण के समय द्रौपदी सदेह स्वर्ग नहीं जा सकी, गिर पड़ी। सहदेव भी गिरे, नकुल भी गिरे, अर्जुन का भी देहपात हुआ, भीमसेन का भी देहपात हुआ, लेकिन सबसे पहले द्रौपदी गिरी, मूर्छित हो गई, चेतना विहीन हो गई, उसका शरीर सब होने की स्थिति में हो गया, सब हो गया। भीमसेन ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, द्रौपदी सबसे पहले दम तोड़ गई तो क्यों तोड़ गई, मरी तो क्यों मरी। साहित्यिक धरातल पर बहुत अच्छा उत्तर दिया जा सकता था, अयोनिजा थी, विश्व सुंदरी थी, नाजुक थी, कोमलांगी थी, अन्न जल आदि सुलभ न होने के कारण, पैदल चलने का अभ्यास अधिक न होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ऐसा उत्तर अगर युधिष्ठिर देते तो भीमसेन को संतुष्टि नहीं होती, इतना तो भीमसेन भी जानते थे। वहाँ जो पूछा गया, द्रौपदी सबसे पहले गिरी तो क्यों गिरी, देहत्याग किया तो क्यों देहत्याग किया, युधिष्ठिर जी ने उत्तर क्या दिया, प्रमाद। कौन सा प्रमाद? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांच कोश हैं। आनंदगत जो पक्षपात होता है मृत्यु में सबसे प्रथम हेतु होता है। हमने स्वर्गारोहण को कोशों में ढालकर गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के सम्मुख प्रवचन किया तो बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ भी कोश निकाल दिया। युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया? छुई मुई वाला उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अयोनिजा थी, विश्व सुंदरी थी, यह सब बात ठीक, लेकिन पांच पांडवों में अर्जुन के प्रति प्रीति की प्रगल्भता अधिक थी, इस प्रमाद के कारण द्रौपदी सदेह स्वर्ग नहीं पहुंच सकी। ये कितना सूक्ष्म उत्तर है। प्रीति में चूक होती है। पांचों पांडवों में लक्ष्य भेद करने वाला अर्जुन, उसके प्रति प्रीति की प्रगल्भता थी, अधिकता थी, इस प्रमाद के कारण। प्रमा का, विवेक का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद। विवेक को दबोच करके जो व्यवहार होता है उसका नाम प्रमाद। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने सनत सुजाति के भाष्य में लिखा, स्वाभाविक ब्रह्म भाव से जो आध्यासिकी प्रच्युति है उसका नाम प्रमाद है।
स्वाभाविक ब्रह्म भाव से जो आध्यास की प्रच्युति है उसका नाम प्रमाद है। ठीक है, अब यहाँ तत्वक्रम से विलय का भी वर्णन है। द्रौपदी एक, सहदेव दो, नकुल तीन, अर्जुन चार, भीम पांच, युधिष्ठिर छः, पांच भूत और पंचभूतों का तारतम्य संघात पार्थिव प्रपंच विलयक क्रम भी है। द्रौपदी पंचभूतों के तारतम्य संघात का जो अधिदैव है उसका अवतार थी, तो आयु की दृष्टि से द्रौपदी का प्रथम देहपात दार्शनिक धरातल पर उचित है। फिर सहदेव और नकुल पृथ्वी और जल के अधिदैव के अवतार थे, तो लयक क्रम से सहदेव का देहपात पहले, फिर नकुल का देहपात। अर्जुन तेज के अधिदैव के अवतार थे, उनका देहपात। वायु के अधिदैव के अवतार भीम थे, तो उनका देहपात। धर्म आकाश धारक है, आकाश का गुण शब्द है, उसके अधिदैव के अवतार युधिष्ठिर थे, तो सबसे बाद में स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर का देहपात या तो क्रम उचित है। ये विलयक क्रम से भी है, लेकिन प्रमाद की व्याख्या बहुत बढ़िया की गई। बाद में सहदेव का देहत्याग हो गया, सदे स्वर्ग नहीं पहुंच सके। स्वर्ग के महत्व को ख्यापित करने के लिए भी यह इतिहास है। स्वर्ग में पहुंचकर वहां के ऐश्वर्य का उपभोक्ता, आनंद का उपभोक्ता कौन व्यक्ति हो सकता है? उसके जीवन में पात्रता कितनी ऊंची चाहिए? इस तथ्य को भी अभिव्यक्त करने वाला यह इतिहास। उसके बाद नकुल गिरे, भीमसेन ने कह दिया भाई साहब भाई साहब, यह तो स्वर्गारोहण की बात है, कोई किसी का आंसू पोछने वाला नहीं। अब गिर गया तो देहत्याग हो गया तो क्या करो, दाह संस्कार ये सब कुछ नहीं, ये तो संन्यास का मार्ग है, वीर संन्यास क्षत्रियों के लिए, कोई किसी का आंसू पोछने वाला नहीं। लेकिन इतना तो बता दीजिए, सहदेव गिरे तो क्यों गिरे, जबकि आयु में छोटे थे? क्या उत्तर दिया युधिष्ठिर जी ने? विद्या का गुमान, विज्ञानमय कोष में तादात्म्यापत्ति मृत्यु है, यह प्रमाद है। बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थे सहदेव, अश्वविद्या आदि के भी विशेषज्ञ थे, तो विद्या के गुमान में झूमते रहते थे, किसी को तिरस्कृत न करने पर भी अंतर्निहित वैदुष्य का अभिनिवेश था ही, यह भी एक प्रमाद है। उसके बाद नकुल गिर गए। बताइए बताइए भाई साहब, सदेश स्वर्ग नहीं पहुंच सके, नकुल भी गिर पड़े, क्या त्रुटि थी इनके जीवन में? तो बताया कि विश्व सुंदर थे, सुंदरता के नाज में झूमते रहते थे। जल का वर्ण शुक्ल है, जल के अधिदैव का जब अवतार होगा तो सरसता, सुंदरता, सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंध इत्यादि उसमें रहेंगे ही। जल में गंध नहीं है, लेकिन पृथ्वीगत गंध का संचार जल में हो जाता है, इसलिए मैंने बुद्धिपूर्वक सौगंध शब्द का प्रयोग किया, सुगंध का। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई ना कोई दार्शनिक धरातल पर जो त्रुटि है उसी का नाम प्रमाद है, वही प्रच्युति का कारण है। जिसका जीवन प्रमाद विहीन है,
उसके जीवन में मृत्यु नहीं है। कोई कह सकते हैं अंत तो गत्वा तो देहत्याग ब्रह्मा जी का भी होता है, देह विलय ठीक है, तो स्थूल दृष्टि से। लेकिन प्रमाद जो ढंग से यहाँ पर हम ख्यापित कर रहे हैं महाभारत आदि के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, प्रमाद विहीन व्यक्ति पर कोई विजय प्राप्त कर ले संभव नहीं। मृत्यु के दाल प्रमादी पर गलती है, प्रमाद विहीन पर नहीं। अंत में अर्जुन गिर पड़े। भीमसेन ने कहा भाई साहब बड़ी विचित्र बात है, वनवास के दिनों में 5 वर्षों तक जो इंद्रलोक में रहने वाले, कोई मुकदमा नहीं किया इसने, दुर्योधन ने केस दायर कर देता। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इस स्वर्ग में क्यों रहे? बीच बीच में स्वर्ग जाते थे, इंद्र के बेटा थे, पुत्र थे, इंद्र अपने सिंहासन के बगल में सिंहासन पर बैठा लेते थे। सदैव निवात कवचों से युद्ध करके इंद्र को विजयश्री दिलाए। जिन योद्धाओं पर इंद्र भी विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे, प्रतिद्वंद्वियों पर, उन पर विजय प्राप्त की। ऐसे अर्जुन सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके, उनका देहपात हुआ तो क्यों हुआ? अब ऊपर से आ रहा है क्रम, कहीं नीचे से कहीं ऊपर से। युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया? प्रतिज्ञा कर लेते थे श्री कृष्ण के भरोसे, सही निर्वाह करने में प्रमाद हो जाता था। मनस्वी तो थे लेकिन मनोमय कोष में तादात्म्यापत्ति अभिनिवेश के कारण ये सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। जो प्रतिज्ञा कर ले जिस द्रुत गति से, उस द्रुत गति से उसकी पूर्ति में सफलता न मिले, मनस्वी जिसको कहते हैं, मनोमय कोष में अभिनिवेश तादात्म्यापत्ति भी मृत्यु है। अब जिनको पंचकोश का विवेक नहीं है, उससे पारंगत आत्म तत्व में आत्मबुद्धि नहीं है, उनका तो प्रतिक्षण मरण है, मरण 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 मरण। क्या इस अपराध के कारण, प्रमाद के कारण अर्जुन भी सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच सके। अब स्वयं भीमसेन गिर पड़े कुछ देर, भाई साहब ये तो स्वर्गारोहण है, वीर संन्यास है, कोई आंसू किसी के पोछने वाला नहीं, मेरे प्रश्न का तो उत्तर दे जाइए कि मैं सदैव स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच सका, मेरे जीवन में क्या प्रमाद हुआ? बल का गुमान, दुशासन के भुजा उखाड़ दे शरीर से, उसी भुजा से उसके शरीर को पीटने लगा। मर गया तो अभी पांव से उसको कंदूक गेंद बनाकर खेलते रहे। तो प्राणमय कोष में अभिनिवेश, बल का अभिनिवेश, बल पराक्रम की सीमा में किसी को भी चुनौती दे देना, क्या एक महापुरुष आचार्य पद पर प्रतिष्ठित, उनकी स्मृति कुछ अंतिम दिनों में क्षीण हो गई, तो रघुनाथ जी को बताया, अब रघुनाथ जी भी दिवंगत हैं, कि देखो मैंने शास्त्रार्थ की बहुतों को चुनौती दी, बहुतों का मान वर्धन कर दिया विद्या के अभिनिवेश में, उसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। तो हमने संकेत क्या किया, भीमसेन में क्या त्रुटि निकली? बल का अभिनिवेश, ताल ठोकते रहते थे तो कहीं कहीं ताल ठोकने वाले से बल का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो दूसरी बात यह है, प्राणमय और प्रज्ञामय, प्राण और प्रज्ञा का योग हो जाए तो भूख प्यास की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में
प्राण के साथ प्रज्ञा तादात्म्यपन हो जाती है तो भूख प्यास नहीं लगती। प्राण और प्रज्ञा दोनों पृथक पृथक अभिव्यक्त हों तो भूख प्यास लगती है। अभी हम लिख रहे थे इस चीज़ को, कुछ अंश जोड़ा था कल वाले लेख में। तो इसका अर्थ क्या है, वनवास के दिनों में हम लोग आप धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण होकर भिक्षा मांग रहे थे। जितनी भिक्षा आती उसमें आधे तुम बटा लेते थे, आधे में हम चार और द्रौपदी ये सब भोजन करते थे। हम लोग चारों करते थे, आधा तुम बटा लेते थे। और भूख प्यास पर नियंत्रण न होना और बल का गुमान, अब क्या करें, भूख लगे तो भूख लगे, जिसका पेट 5 किलो से भरना है उसको अगर 5 तोला दे दोगे तो क्या होगा। वो तो मृकोदर थे, भेड़िया के पेट में जो आग होती है वो भीमसेन के पेट में मृकोदर थे। वायु में तो वायु के द्वारा जठराग्नि उद्दीप्त हो तब तो भूख लगती है। प्राणापान के योग से पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, तो वायु को भूख न लगे तो फिर किसको लगे, वायु देवता के कारण तो हमको भूख प्यास लगती है। जठराग्नल को दीप्त करने वाले तो पवन ही हैं, आध्यात्मिक पवन। भूख प्यास पर नियंत्रण नहीं था इसलिए तुम भी गिर पड़े, सदैव स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। अब युधिष्ठिर को कौन पूछता, युधिष्ठिर तो सदैव स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन राज्य के अंत में नरक का दर्शन होता है, कृत्रिम नरक सही, क्योंकि महंत है, मंडलेश्वर है, आचार्य के पद पर कोई प्रतिष्ठित है या घर का मुखिया है। और राजा है, उससे प्रमाद होना स्वाभाविक है, और प्रमाद का फल मृत्यु नरक है ही। पूर्वाचार्य महाराज ने कई शब्दों की संरचना की थी, मैं मजदूर शंकराचार्य। तो पूछा गया एकांत में, ऐसा क्यों कहते, अरे भाई शंकराचार्य के पद पर हो ना, महंत मंडलेश्वर को कुत्ता बनना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण को उदाहरण देते थे। तो मैं अपने को मजदूर शंकराचार्य कहता हूँ, मजदूर शंकराचार्य माने मजदूरों के शंकराचार्य, श्रीमानों के, सेठों के, सरकार के गुलाम शंकराचार्य ने, प्रशंसा पाचक शब्द, लेकिन लोग जो अर्थ नहीं समझते समझते निंदावाचक शब्द है। मजदूर होता हुआ शंकराचार्य ने मजदूर शंकराचार्य। है प्रशंसा, बाहर से निंदा। तो क्या अर्थ हुआ वाल्मीकि रामायण, एक ने जिसको उर्दू में कहते खामखा, व्यर्थ कुत्ते को पीट दिया, राम जी के दरबार में पहुंचा, मुझे न्याय चाहिए। वो महानुभाव बुलाए गए, राम जी ने कहा इनको महंत बना दो। सबने कहा ये राम जी का न्याय, इसको पुरस्कार दिया गया या दंड दिया गया। तो राम जी ने पूछा ये कुत्ता देव, स्वहन देव, बताओ मैंने न्याय देने में प्रमाद बरता या ठीक मरा ठीक, क्योंकि मैं भी पिछले जन्म यही था। तो चेले चपाटी को कम देता था, मीठा मीठा सब हम ले कर लेता था। तो कहीं कहीं जो उपहार है, पदोन्नति है, वो भी दंड है। तो सामान्य रीति से ये न्याय कहाँ हुआ भाई, कोई कुत्ते को मारे उसको दंड दिया जाए कि इसको महंत बना दो तो प्रसन्न होगा या पुरस्कार समझेगा या दंड समझेगा। वो दंड हुआ। उस दंड के लिए दंड है कि महंत बना दो। सामान्य रीति से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को, एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक,
अब कोई मुख्यमंत्री है 50 पीढ़ी के धन बटोरता है तो वो मरने के बाद तो उसकी दुर्गति होगी ही, लोक में उपहास भी वही सकता है। ये सब केवल महंत की बात नहीं है, मुखिया घर का मुखिया है, संस्थान का मुखिया है, कहीं का प्रधान है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख माने, मुख माने क्या हुआ, मुखगत प्राण, मुखगत प्राण, यहाँ मुख की लक्षणा है मुखगत प्राण में। अब रामायणी तो इसका अर्थ नहीं कर सकते, इनकी कठिनाई ये है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यत दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन परक जितने वचन हैं रामचरितमानस में एक का भी अर्थ नहीं लगा सकेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख माने यहाँ पर मुख नहीं, मुखगत प्राण का नाम है। मुख पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक से क्या कर दिया, प्रज्ञा शक्ति। मुखगत मुख सो, मुखिया मुख सो चाहिए, मुख माने प्राण। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक से प्रज्ञा। लोग पुष्ट वेदांती कहते हैं कि भूख प्यास प्राण के कारण, प्राण और प्रज्ञा दोनों के योग से भूख प्यास की लगती है। अन्न पाता है मानो प्राण, प्रज्ञा शक्ति संपन्न जो प्राण है उसमें भोक्तृत्व की बात हो जाती है भूख प्यास उसके कारण। लेकिन अंत में पाले पोसे सकल अंग, जिस अंग को जितना बल और वेग चाहिए, आहार से प्राप्त सामग्री चाहिए, ऊर्जा चाहिए, विवेक पूर्वक प्राण बांट देता है, यानी कि अपने लिए रख लेते। पुजुरियाबाजी के यहाँ जब हम रहते थे तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ के भक्त लोग उड़ियाबाजी की मूर्ति के सम्मुख जो मीठा उठा रखते थे, वहाँ के एक मैनेजर, हमको पता चला कि अगले गुरु पूर्णिमा के एक दो दिन पहले तक उसको रखते थे बचा के। अरे राम, अब वो विष होगा या अमृत, केला उला को तो नहीं रख सकते थे, फिर उसका समय भी नहीं था। मीठा मैंने कम से कम 6 महीने 7 महीने तक ले जाते थे, चुपके से कान में पाते थे और थोड़े थोड़ा जो वहाँ लोग रहते थे बांट देते थे। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक अपने लिए पहले बचा ले, फिर दूसरों के लिए मिले या ना मिले ये तो ठीक नहीं है। तो क्या हुआ, वहाँ पहुँच गए धर्मराज, कहाँ सदेह स्वर्ग, कृत्रिम नरक। मैंने कहा राज्य के अंत में बहुत ऊंचा पद हो तो वास्तव में से कृत्रिम नरक का दर्शन तो उसको होता ही है, कहीं न कहीं प्रमाद हुआ। न्याय न्यायाधीशों को भी बुरा न मानो होली है, न्याय करने में जिसको जितना दंड देना चाहिए उसे कम दंड दे दिया, नहीं दिया, जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको दंड दे दिया, बहुत ऊंचा पद है ना ये। महाभारत में क्या लिखा है, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणों में जिस राजा की अबाध गति नहीं है वो समुचित दंड नहीं दे सकता। आजकल अब व्यवस्था क्यों है, गुरुकुल की पढ़ाई होती थी तो साम दान दंड भेद सब नीतियों में उपेक्षा इंद्रजाल माया इन सब नीतियों में राजा भी पारंगत होते थे और उनके पुरोहित भी पारंगत होते थे। लेकिन अब जब गुरुकुल की पढ़ाई नहीं है तो कोई न्यायाधीश जो है वर्तमान, बुरा न माने कोई न्यायाधीश, बहुत से सुन रहे होंगे, वर्तमान संविधान के अनुसार तो न्याय मिलना ही कठिन है, न्याय की परिभाषा ही नहीं मालूम है। देहात भाव भावित जो संविधान होगा उसके अनुसार तो न्याय मिलना ही कठिन है। फिर प्रांतीय सरकार का दबाव, केंद्रीय सरकार का दबाव, कई प्रलोभन आ जाते, कई भय आ जाते, इसलिए न्याय की निष्पत्ति कठिन है। तो युधिष्ठिर जी को कृत्रिम नरक दिखाया गया जिसमें अन्य नारकीय प्राणी कराह रहे थे। अब युधिष्ठिर जी के शरीर को छूकर जो हवा निकल रही थी, पवन देव निकल रहे थे, उन जीवों को लगने के कारण वो सब नारकीय वेदना को भूल गए, आनंद मिल रहा था।
युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर जी कुछ क्षण और बने रहिए, आपकी उपस्थिति के कारण हम नारकी प्राणियों को आनंद मिल रहा है, यातना का कष्ट नहीं मिल रहा है। तो मनुस्मृति आदि में नियम है, आपत्ति काल ना हो तो ऐसी जगह मत बैठें, और आंधी तूफान ना हो तो कि शिष्य के शरीर को छू करके जो हवा आ चले वो गुरु को लगे, बैठने में भी मर्यादा। और भगवान राम जा रहे थे, पीछे लक्ष्मण जी, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी, कैसे पांव रखते थे राम जी जहाँ पांव रखें सीता जी उनको बचा करके, माने उस चिन्ह पर भी हमारे पांव न लग जाएं, ऐसे ऐसे चलने की भी मर्यादा है, कोई खतरा ना हो तब, बैठने की भी मर्यादा है। तो देवदूतों से कहा, देखो स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे यहाँ रहने पर नारकी प्राणियों को सुख मिलता है, मुझे यहीं रहने दो युधिष्ठिर जी। फिर द्रौपदी कराहती हुई मिली नरक में, चारों भाई कराहते हुए मिले, त्राहि त्राहि वेदना हा हा। युधिष्ठिर जी का धैर्य वहाँ टूट गया। अगर हम जानते या मैं जानता कि मरने के बाद स्वर्ग में भी न्याय नहीं मिलेगा, जीवन भर तो कष्ट झेला, क्या क्या यातना झेली सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मरने के बाद भी द्रौपदी से तुम्हारे चारों भाई नरक में ही जाएंगे, तो मैं उस मार्ग पर नहीं चलता जिस मार्ग पर चल कर कष्ट झेला। तब देवदूतों ने कहा कि राजन, द्रौपदी के सही चारों भाई स्वर्ग में हैं, राज्य के बाद में नरक दिखाया ही जाता है, होता ही है, आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, लेकिन मैं जो साल में 10-20 बार आजकल कहता हूँ, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर जो है ये तो वृक्षों को भी प्राप्त है, लेकिन उनके शरीर में ऐसी क्षमता है कि 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राण अंतःकरण चतुष्टय को स्फुट व्यक्त कर ले, नहीं गोलक ही नहीं। अच्छा, फिर जंगम प्राणियों में भी 5 इंद्रियों को व्यक्त करने के सब में गोलक नहीं होते, मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, अंतःकरण को प्राणों को व्यक्त करने के संस्थान हैं, तो शरीर और शरीर में भी विलक्षणता है। मर्त्यलोक से जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है, मर्त्यलोक का शरीर है ना, भले ही आप धर्म के ही अवतार हैं, उज्ज्वल माता पिता के द्वार से आपकी अभिव्यक्ति हुई है, फिर भी स्वर्ग के सुख को भोगने के लिए जो मन का स्तर चाहिए, वो मन का स्तर आपको इस शरीर में नहीं प्राप्त हो सकता। तो लीला पूर्वक स्वर्ग में जो गंगा प्रवाहित होती हैं मंदाकिनी नदियाँ क्या होती हैं, त्रिपथगा, सौरमंडल में जल का स्रोत है, तेज जो है जल के स्रोत हैं, मूल उद्गम स्थान है। उसके बाद फिर क्या होता है मर्त्यलोक में, उसके बाद गंगा इत्यादि नीचे चली जाती हैं, त्रिपथगा ऊर्ध्व मध्य अधः तीनों लोकों में नदियों का प्रवाह है, जल का प्रवाह। हमने त्रिपथगा या कौन पुस्तक है हमारी, प्रवचन है, उसी को पुस्तक का रूप, उसका अनुवाद भी किया है सर ने। चीन की एक युवती विदुषी PhD कर रही थी अमेरिका में, उसने आके पूछा था, उसको जो उत्तर दिया था वही त्रिपथगा नामक। महाभारत में इस गंगा जी का नाम, नदियों का नाम त्रिपथगा है। इस समय जो मर्त्यलोक में जल प्रवाहित है, गंगा यमुना आदि, इनको जो फैक्ट्री आदि के दूषित जल से विकृत करते हैं, इससे ऊर्ध्वलोक के जल पर भी प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि लोकों का परस्पर सामंजस्य तालमेल इतना विचित्र है कि चंद्रमा 18 मीटर या कितने मीटर धस गए हैं, अभी चंद्रमा भी धस रहा है। अगर सूर्य थोड़े नीचे आ गए तो क्या होगा? इसलिए यहाँ का शासक अगर उन्माद का परिचय देता है विकास के नाम पर सही, तो पूरा त्रिभुवन संतप्त हो जाता है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सब ज्ञान विज्ञान आजकल के शासकों में है नहीं, और हठ इतना है। बहुत विचित्र बात है, कहीं से संदेश आया मनोज जी को, शंकराचार्य जी ने जो विषय रखा है राजनीति पर, हम लोग भले ही मंत्री हो गए हों, उस विषय पर तो हमारा चिंतन ही नहीं है। संकेत ये था कि दंड फन से हम लोग चुनाव जीते हैं, मंत्री हुए हैं, और शंकराचार्य श्रोता होंगे तो क्या ही अच्छा हो कि हमको 3 मिनट ही समय मिले, या हम 3 ही मिनट बोल कर रह जाएं। मतलब उन लोगों का सोचने के लिए बात देना पड़ा ना, नाम तो हमारा दिया गया, अपनत्व तो है, लेकिन हम कोई राजनीति के विशेषज्ञ होकर राजनीति में शोधन करने के लिए, देश को स्वच्छ अपेक्षित शासन देने के लिए थोड़े आए हैं। हम तो दंड फन से नेता बन गए हैं, नेता थोड़े हैं, नेत्र नेता है ना, नेता क्यों कहते हैं उसको, ले जाने गंतव्य का दर्शन कराता है नेत्र, तब पांव की गति वहाँ तक होती है। नेता शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? महाभारत में श्री कृष्ण के लिए। भगवान श्री कृष्ण नेता है 5 पांडवों के। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ यही हुआ कि स्वर्ग का सुख भोगने के लिए जिस स्तर का अंतःकरण चाहिए, उस स्तर के अंतःकरण की अभिव्यक्ति प्राप्ति के अनुकूल तो आपका पुण्य है। सामान्य व्यक्ति होते सदैव स्वर्ग कैसे आ जाते, लेकिन प्रतिबंधक क्या है? मर्त्यलोक का शरीर। मर्त्यलोक के शरीर में वो क्षमता नहीं है कि स्वर्ग में रहने योग्य प्राण और अंतःकरण को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को व्यक्त कर सके। स्वेच्छापूर्वक आप ये जो त्रिपथगा स्वर्ग की गंगा है मंदाकिनी, इसमें डुबकी लगाकर मर्त्यलोक के शरीर को छोड़ दीजिए, तब श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की आपको प्राप्ति होगी। उसमें वो क्षमता होगी कि कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, प्राणों, अंतःकरण को व्यक्त करने की वो दिव्यता होगी कि स्वर्ग के सुख का आप आनंद ले सकते हैं। जैसे कोई झगड़ालू हो, स्पृहा रखे, द्वेष रखे, लागडांट रखे, वो यहाँ आ जाएगा तो उसको सुख मिलेगा कुछ? यहाँ तो एक दूसरे के पांव ठीक खींचने, किसी के प्रगति को रोकने, उद्दंडता का परिचय देना, हु हल्ला जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ नहीं है। यहाँ देखते होंगे बच्चे अभी नहीं हैं, घर गए हैं, बीमार ये जो रोग फैला है विद्यार्थी लोग, यहाँ कोई चांटा दिखाकर जोर से बोल के डांट के अनुशासन कोई चलता है ना? सब शांत दृष्टिकोण से शासन चलता है। तो बाहर के व्यक्तियों के लिए तो विचित्र स्थान है ना ये, बहुत प्रयास किया जाता है, सावधान रहा जाता, एक भी कितना भी उपयोगी हो, एक भी व्यक्ति कोई दंड फंद वाला आ गया तो सारा वातावरण बिगाड़ देगा। मुझे 60 वर्ष हो गए इस बाबा वेश में, और गांव में भी था तो बहुत क्रांतिकारी ही माना जाता था, उपद्रवी नहीं क्रांतिकारी। मैंने कई संस्थानों को, राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के कई संस्थानों को, विश्व स्तर के संस्थानों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। एक भी अराजक तत्व किसी संस्थान में घुस गया, अराजक अराजक को ही सह सकता है, सज्जन को नहीं। इसलिए रोटी नमक तक सीमित रहे, लेकिन अराजक तत्व कितना भी उपयोगी सिद्ध हो, दाता सिद्ध हो, उसको फटकने ना दे। इतनी सावधानी रहनी, इतना सावधान रहना चाहिए। तो हमने क्या कहा, स्वर्ग का जो सुख है, जैसे यहाँ रहने के लिए पात्रता चाहिए, और जो जो आए थोड़ी सी पूंजी पुण्य की लेकर, पुण्य की पूंजी क्षीण हो जाने पर वो सब कहाँ, भगवान ने उनको जहाँ दंड फन मार काट गाली गलौज क्या
आचार्य पद पर बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी दूसरे के टांग खींचने, सरकार की बस चापलूसी करने तक जो संस्थान सीमित, वहीं जाकर वो गए, अराजक थे, अराजक तत्व में जाकर मिल गए। इसका मतलब कि आप क्षरणीय पूर्णीय मृत्यु लोक का मिशन थे। तो दिव्य संस्थान में रहने के लिए साधना की बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने क्या किया, यमुना लाल के एक मित्र यहाँ के आते पाठ में कहाँ टिक पाए थे अपने आप, वो माने उनको तो, उन लोगों को जो बहिर्मुख होते हैं उनको तो फिर गपशप यहाँ नहीं होते, लोग कहते हैं गपशप यहाँ ठाका मार के हंसना, क्या मनोविनोद कुछ होता है या नहीं कार्यक्रम, यहाँ से कुछ नहीं होता, चापलूसी यहाँ कुछ नहीं है यहाँ। तो यहाँ टिक पाना तो सज्जन जो होंगे, अंतर्मुख होंगे, उन्हीं की बात है, नहीं तो किसी के। यहाँ तो रसोई बनाने वाले को भी ए रसोईया कहा जाता है, जैसे हम अपने को मानते हैं वैसे रसोई बनाने वाले हमारे साथ हो तो उनको भी मैं ऐसे मानते, वो भी हीनता का अनुभव नहीं करते, वो भी साधक हैं। तो हम समझते जब भीमसेन लाचारी में रसोइये का काम कर सकते थे, भोजनालय का दायित्व संभालते थे ना विराट के यहाँ, परिस्थितिवश कोई ब्राह्मण रसोइया हो सकता है तो माँ का काम कर रहा है, हम सबको स्नेह देते, अपनत्व देते। इसका मतलब क्या है, दिव्य संस्थान में भी एक जगह मैं गया, स्वामी दयानंद जी का जो आश्रम है हरिद्वार में, रामचैतन्य लंगूर जैसा था एक वृक्ष, बहुत बढ़िया चबूतरा, ऐसे कूद के लंबा से एक पत्ता तोड़ लिया, हमारी भी नाक कट गई, उसने अपनी नाक कटा दी, सब हंसने लगे। वो अंग्रेजी क्या, वो तो अंग्रेजी ढंग से आश्रम चलता है ना उन लोगों का, गुलाब के फूल लगे हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हैं छोटे छोटे पेड़ में, कोई तोड़ता होगा वहाँ, और जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही तोड़ेंगे वही बांटेंगे, उसने हमारी भी हंसी करा दी। पत्ते तोड़ने से लाभ क्या, पत्ते खाने की चीज़ नहीं, चंचलता यूँ हाथ बढ़ाए एक पत्ता तोड़ लिया, हमने कहा ये क्या किया, सब मुँह देखने लग गए। इसका मतलब क्या, शिष्ट व्यक्तियों के यहाँ रह करके, क्या शिष्ट संस्थान में रह करके फिर वो चापलूसी का परिचय देना, चंचलता का परिचय देना क्या हो जाता है, उपद्रव माना जाता है, उपहास का पात्र माना जाता है व्यक्ति। तो जब इतना नियम मर्त्य लोक में, स्वर्ग लोक में, इसीलिए उन्होंने मंदाकिनी में स्नान करके क्या किया, मर्त्य लोक के शरीर को छोड़ दिया। तो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर की उनको प्राप्ति हुई, उस शरीर से फिर स्वर्ग के वैभव को भोगने में वे समर्थ हुए। चलो ये सब कहाँ से आया, विषय क्या चल रहा था, अब फिर आ रहा हूँ विषय पर, विषय ही होगा कोई ना कोई, तभी इतना लंबा चला। हर्तपुत्रादित्य शक्र पार्श्विग्रह हेण विष्णुना मन्या शोक दीप्तेना ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नु भ्रातृहन प्रारमिन्द्रिया राममुल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयित्वा सये सुखम्। प्रसंग वहाँ से चला दिति, दिति के प्रमाद के फलस्वरूप हिरण्य के सुप हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। तो उसके जीवन काल में ही प्रमाद प्रादुर्भूत दोनों बेटे मार दिए गए। अब उसके शोकाग्नि का क्या कहना, इतना बलवान जिसका दमन करने के लिए स्वयं भगवान को दो अवतार लेना पड़ा, बड़ा भगवान हो गए, नृसिंह भगवान हो गए। उसके कष्ट का क्या कहना, प्रमादो वही मृत्यु हो है या नहीं, क्या प्रमाद क्या हुआ था, कल मैंने बताया, यह रुद्र वेला है, संधि दशा, कौन संधि दशा, संधि दशा दिन और रात्रि की संधि, अभी क्या है संध्या काल जिसको कहते संधि दशा, रात्रि और दिन ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते दिन की संधि, सायं
और प्रातः की संधि दोपहर जिसको कहते हैं, जितने युद्ध होते हैं कहाँ होते हैं, चीन और भारत की सीमा, भारत और नेपाल की सीमा संधि पर, और भारत और पाकिस्तान की सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा, ऐसे संधि पर ही सारा मामला है टिका हुआ। संधि 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 संधि, यह क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? दिन और रात्रि की संधि में, दिन और रात्रि की संधि में, यहाँ न मरूँ वहाँ न मरूँ, वो संधि में मारा जाएगा। हिरण्यकशिपु को लेकर कथावाचक कहते हैं ना, वरदान मांग रखा था किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी तो बुद्धि के अधिदैव हैं, हाँ हाँ बेखटके जो भी मांग रहे हो दे रहे हैं, दे लो ले लो, समझ गए कि यह संधि में मारा जाएगा। संधि पर इसका ध्यान नहीं है। न दिन में मरूँ, न रात्रि में मरूँ, न उत्तरायण में मरूँ, न दक्षिणायण में मरूँ, न नर से मरूँ, न देवता से मरूँ, मनू हाँ, और फिर क्या है, न पशु से मरूँ, न देवता से मरूँ, मनुष्य को तो कुछ गिनते ही नहीं, और क्या है, न अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ। लो बेटा सब कुछ वरदान ठीक है। देखो ब्रह्मा जी को मैं झूठा नहीं सिद्ध कर रहा, नृसिंह भगवान ने कहा दिन है या रात्रि संधि, नाखून अस्त्र है या शस्त्र, न अस्त्र न शस्त्र, पुरुषोत्तम मास उत्तरायण है या दक्षिणायण, अच्छा न भूलोक में न उधर ये जंघे पर, सब संधि जोड़ लिया नहीं, संधि पर ही व्यक्ति मारा जाता क्या? हाँ संधि, भारत और चीन की संधि, वहीं मारा, जितने बार संधि करो मारे जाओगे। संधि संधि संधि, अरे दो को मानते हो तो दो की विभाजक रेखा बनोगे या नहीं? दो को मानते हो तो दो की विभाजक रेखा बननी पड़ेगी या नहीं? दो की विभाजक रेखा होती है, विभाजक रेखा के रूप में कहीं नदी कहीं पर्वत ये सब है ना, एक द्वीप और दूसरे द्वीप के विभाजक कौन होते हैं? कोई पर्वत, कोई वन का हिस्सा, वृक्ष शालमली वृक्ष, ऐसे ही क्या होता है कुशा द्वीप, ये सब क्षीर सिंधु, तो जल के द्वारा पर्वत के द्वारा जैसे जिला का प्रांत का देश का विभाजन होता है, द्वीप का विभाजन होता है संधि। संधि की वेला में, संध्या की वेला में पति को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया, पतिव्रता होने पर भी जिस समय जिस कृत्य का निर्वाह नहीं करना चाहिए था उस समय उस कृत्य का निर्वाह किया, उसके प्रमाद के फलस्वरूप क्या हुआ? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो अराजक आतंकवादी पुत्र उत्पन्न हुए। पतिव्रता के गर्भ से भी आतंकवादी उत्पन्न हो सकते हैं, पति दिव्य पत्नी भी पतिव्रता दिव्य, लेकिन काल को लेकर जो प्रमाद का परिचय दिया, आतुरता का परिचय दिया, उसके फलस्वरूप प्रमादो वही मृत्यु हो, हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जब दोनों का जन्म हो गया तब क्या हुआ? दोनों दिति के जीवन काल में मारे गए, इंद्र ने मरवा दिया, मानो भगवान विष्णु से भगवान विष्णु ने मार दिया। अब माँ के रहते इतने बलवान यशस्वी बेटे मार दिए जाएं तो माँ को कष्ट होगा या नहीं? तो प्रमाद का फल उसको मिला या नहीं? प्रमाद का फल मिला, इसलिए हम कहा करते हैं पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़े या न पड़े मनुष्य आदि की दृष्टि से, गर्भ धारण करने वाली जननी माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। क्यों? माता तो 9 महीने तक गर्भ में रखेगी ना, तो माता का प्रभाव उससे पड़े बिना नहीं रह सकता है। एक प्रकार से पिता तो वेदव्यास ही ठहरे,
लेकिन पुत्र धृतराष्ट्र अंधे क्यों हुए? उनको घर में जो धारण करने वाली माता होती वेदव्यास जी को देखकर आंख मिचली, अरे बने ठने नहीं, इस प्रमाद से अंधे पुत्र को जन्म दिया। व्यास जी को देखकर जो राजा पांडु की माता होती पांडु रंग की हो गई, बेटा का रंग पांडु हो गया। ऐसे गांधारी ने सुना क्या सुना कि कुंती का लाला हो गया है, प्रथम पुत्र हो गया युधिष्ठिर, जंगल में मंगल बस्ती में कराका, अरे जंगल में भी लाला हो गया, बहुत बढ़िया सुनते हैं हुआ है, और मैं तो कई महीने से गर्भ धारण किए हूँ, अब तक तो ये गर्भ निकलना ही नहीं चाहता, जानता भगवान वेदव्यास का वरदान था, भगवान शिव का वरदान था, वो धैर्य टूट गया, सौतिया डाह जिसको कहते हैं, क्रोध में आकर गांधारी ने दोनों हाथों को मुष्टिका का रूप दे करके पेट को प्रारंभ किया, इतना पीटा कि वो गर्भ जो परिपक्व था मांसपिंड बाहर निकल आया। उसके बाद उसने सोचा कि इसको जला दूँ, लो लो दुश्मनी, अपने गर्भ से भी दुश्मनी, द्वेष इसको कहते हैं, पतिव्रता तो गांधारी भी थी, वर किसके द्वारा प्राप्त था, जब कुमारी कन्या थी तब उसने भगवान शिव की आराधना की, बलवान जब मेरा विवाह हो पतिदेव के अनुग्रह से बलवान पुत्रों को जन्म दे सकूं, ऐसा ही होगा, सब पुत्रों की माँ हो सकूं। एक बार जब विवाह हो गया था थके मांदे वेदव्यास जी आ गए, उसने खूब भोजन आदि शयन आदि की व्यवस्था बढ़िया कर दी। महापुरुष किसी के यहाँ जाते भी हैं तो कुछ देने के लिए जाते हैं या लेने के लिए, जो समझते हैं बाबा आ गए खाने के लिए उनका पुण्य ख़त्म हो जाता, अरे महापुरुष को तुम क्या दोगे, वो तो सबको देने वाले हैं, तुम्हारे भाग्य को वो सार्थक करने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, बेटी वरदान मांग ले कुछ, वेदव्यास जी से वरदान मांग लिया, हरिहर हरि के अवतार वेदव्यास जी स्वयं हर से वरदान मांग चुकी थी, कुमारी कन्या थी तब, सौ बेटों की बिल्कुल विद्वान सुंदर भव्य बलवान बेटों की जननी बनूं, हो गया समय, लेकिन धैर्य नहीं, वो गर्भ परिपक्व हो रहा था, नौ महीने से अधिक अवधि होने पर भी पीटा, अंत में वो क्या हुआ, मांसपिंड आ गया, उसको जलाने का रोष, अब बेटे से भी द्वेष नहीं, यानी वेदव्यास जी प्रकट हो गए कि भगवान शिव में झूठा न सिद्ध हो जाऊं, ये क्या कर रही है, आपने आते तो जला देती मैं, अब मेरा वरदान निरर्थक, शिव जी का वरदान निरर्थक करना चाहती, सौ मटके मंगाए, एक और एक मटका मंगा दिया, सौ का ही वरदान मांगा था, गोघृत सब में भरवा दिया, ढक्कन सहित बहुत बढ़िया पात्र, पहरेदार की नियुक्ति कर दी, उचित कमरे की नियुक्ति कर दी, शल्य चिकित्सा से भी बढ़िया चिकित्सा है ना, वो मांसपिंड के वेदव्यास जी चाकू से क्या किए, 100 विभाग करने जा रहे थे, एक एक घरे में एक एक टुकड़ा रखो, मन में सोचा चूक गई, बेटी का वरदान तो मांगा ही नहीं, वेदव्यास जी अंतर्यामी ठहरे, अच्छा बेटी भी चाहती है, चलो 101 टुकड़ा कर देते हैं, वही दुशला हुई, दुर्योधन दुशासन सबका नाम दुपरख पराया, दुर्योधन दुशासन दुशला जयद्रथ के यहाँ गई वो, तो समय पर वो घरे से सब ये उत्पन्न हुए, ये सब कौन थे, कुंभज एक प्रकार से, ये सब मटके से उत्पन्न हुए, तो माँ के दोष ने क्या किया इनको,
दुष्ट बना दिया। इसका अर्थ है कि माँ का प्रभाव अवश्य पड़ता है, तो माँ ने जो चपलता चंचलता का परिचय दिया था उसी के फलस्वरूप हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। बलवान बहुत, पिता इतने तेजस्वी, माता पतिव्रता, लेकिन अपने जीवन काल में भगवान विष्णु ने इंद्र का काम साधने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए दोनों को मार डाला। अब माँ को इतना बलवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी, वैभव संपन्न दोनों बेटे मार दिए जाएं तो कष्ट किसको मिला, इसीलिए कहा दीति को। तो प्रमाद वहाँ मृत्यु होके आए नहीं, प्रमाद का फल मृत्यु है। नारायण में शंकराचार्य के पद पर नहीं था, मथुरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठा था ट्रेन की प्रतीक्षा में, और जो बैठने की सीमेंटेड जगह होती है मेज जैसी, उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और हम अपना नीचे बैठ गए उधर दूर प्लेटफॉर्म। वो अपने माँ बाप को, उसके माँ कौन उसके पिता कौन मालूम नहीं, वो कौन मुझे मालूम नहीं, कोसता रहा था। सुन चुपचाप हम कहाँ भगे, तो मन में सोचा कि माता पिता को कोस रहा है, अपने को नहीं कोस रहा है। ऐसे माता जैसा ये कहता है अपने माता पिता के लिए, तो उन्हीं के द्वारा इसका क्या जन्म हुआ, क्यों जन्म हुआ, अपने को कोसना चाहिए ना। जननी तू जननी भाई विदिशाओं का सुन बसाए, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सो भाई। भगवान को विधाता को क्या कहें, कहे क्या, हंस सूर्य वंश में ही दोनों थे, दशरथ और जनक, और नेपाल के प्रधानमंत्री जी सूर्य वंश से ही दोनों उत्पन्न हुए थे। हंस वंश दशरथ जनक पिता के स्थान पर वो, माता और भाई के स्थान पर राम लखन के समान। लेकिन माता किसके गर्भ से मैं जन्म लूँ, तो केकई को ही मेरे ही माता के रूप में चुना, कौशल्या सुमित्रा को चुन लिए होते, विदिशाओं का छूना बसाए। फिर अंत में कहा किसी को दोष देना व्यर्थ, मेरे हृदय में राम विरोधी माँ के हृदय, मेरे जीवन में राम विरोधी माँ के हृदय से जन्म लेने की क्षमता न होती तो केकई जैसी माता मुझे क्यों मिलती। अंत में बहुत बढ़िया, नायम जनों में सुख दुख का हेतु, किसी को सुख दुख मिले आप किसी पे मर्दो हेतु, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण विश्राम नहीं मिलेगा। जब ढूंढते ढूंढते अपने ऊपर आएंगे तो विश्राम मिलेगा। बहुत बढ़िया, वहाँ परा पश्चंती मध्यमा वैखरिक दृष्टि से गाली दी है, गाली में भी क्या है दर्शन छिपा है रामचरितमानस। जब तेरे हृदय में राम विरोध की भावना का उदय नहीं हुआ था तब तू मर जाती तो अच्छा था, कदाचित भावना का उदय हो गया परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, तो भावना क्रियान्वित करने की भावना संकल्प का रूप न धारण करता उससे पहले तू मर जाती, कदाचित राम विरोध में संकल्प हो ही गया वैखरी वाक तक वो संकल्प नहीं आता, तेरे जिह्वा में कीड़े फंस जाते, जिह्वा गल जाती, हृदय में जो परा वाक आई तो हृदय ही गल जाता, तुझे हार्ट अटैक हो जाता, मर जाती। परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, तुम बोल भी दिए तो मेरे पिताजी पर, पिताजी पे बजर पड़े, पिताजी ने तुम पर विश्वास क्यों किया, होते होते कहीं विश्राम नहीं मिला। क्या माता को दोष लगाया, पिता को दोष लगाया, सबका दोष होते होते अगर राम विरोधी हृदय से जन्म लेने की मुझे क्षमता न होती तो तू ही मेरी माता कैसे होती। विश्राम स्थानम एकम, अमुक का दोष, अमुक का दोष, अमुक का दोष, नेता लोग प्राय यही करते हैं, काम बिगड़ जाए तो, बन जाए तो मेरे, मेरा सब गुण है, अरे सब ठीक है, अमुक का दोष, अमुक का दोष, अमुक का दोष, मान लिया सब दोषी दोष, लेकिन प्रश्न उठता है कि
अंत में भरत जी को विश्राम कब मिला? ओहो, मेरे हृदय में ऐसी कोई अयोग्यता ना होती, पाप कलमस प्रतिबंध ना होता, तो राम विरोधी हृदय से क्यों जन्म होता? वास्तव में तो भगवान की लीला थी। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर महादेव।